माय नेम इज विशाल, मेरा नाम विशाल है। स्टार्ट करने से पहले हम 5 मिनट मेडिटेशन करेंगे, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप लोग अपनी आंखें बंद कीजिए। हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज विशाल, मेरा नाम विशाल है। और बिफोर स्टार्टिंग फर्दर आई वुड लाइक टू थैंक डॉक्टर उदेशा जो मेरे गुरु जी हैं, जिन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी है कि ये आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए। मेरी जो एक्सपीरियंस है और उनकी जो रिसर्च है, तो मैं उनको धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी है, जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं और जो मैंने बहुत से लोगों से सीखा है वो आपके सामने शेयर करूँगा। ठीक है, अब ये जो टॉपिक है जो मनी एंड मेडिटेशन बोलते हैं, राइट, बट ये मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ। आई हैव डिवाइडेड दिस इनटू 4 पार्ट्स। जैसे होते हैं मी, मतलब मैं कौन हूँ। सेकंड होता है माइंड, मतलब मन। थर्ड होता है मनी, होता है पैसा। एंड थर्ड इज मेडिटेशन, और बोलते हैं उसको अलग वर्ड में भी हम बात कर सकते हैं, जैसे कि स्पिरिचुअलिटी। ठीक है, एक्चुअली ये अगर मैं समझाने जाऊँ तो लगभग 2 दिन लगेंगे, बट मैंने उनको कॉम्प्रोमाइज़ करके 45 मिनट्स में जितनी इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं आपके सामने शेयर कर सकता हूँ वो मैं आज आपके सामने शेयर करूँगा। ठीक है, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट थिंग विच इज कॉल्ड इज मी, मैं। ओके, मैं कौन हूँ, हु एम आई। अगेन मैंने मी को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। आई हैव डिवाइडेड दिस मी इनटू 2 पार्ट। 2 पार्ट मैंने डिवाइड किया है, एक पार्ट है फिजिकल बॉडी जो हमारा शरीर, और एक होता है सोल, दैट इज व्हाट वी कॉल एज आत्मा। ठीक है, नाउ अगर हम सोचते हैं कि आखिर में हम क्या हैं, फिजिकल बॉडी है कि सोल है। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल बॉडी और सोल, और कितना परसेंटेज हम देते हैं उन दोनों को, और कितना देना चाहिए। ठीक है, फिजिकल बॉडी हम शरीर को 5 तत्वों से बनता है, 5 तत्वों से बनता है। एक फर्स्ट तत्व होता है वायु, वायु मतलब एयर, जो एयर बोलते हैं। सेकंड होता है अग्नि, अग्नि जिसे हम बोलते हैं फायर। थर्ड होता है ज्वाला, जैसे बोलते हैं रेन। फोर्थ होता है आकाश, वो होता है स्काई। और फिफ्थ होता है धरती, जो अर्थ। ये 5 तत्वों से हमारी बॉडी बनती है, दिस 5 एलिमेंट्स से हमारी बॉडी बनती है। क्योंकि आप देखोगे जब हमारी मृत्यु होती है,
और जब हमें दफनाया जाता है जलाया जाता है वो ये पांच तत्वों में मिक्स हो जाते हैं, ये मिक्स हो जाते हैं, ये हमारी फिजिकल बॉडी। हम हमारा 80 to 90% हमारा हम अपने शरीर पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, हम अपने शरीर पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, ठीक है। फिजिकल बॉडी पांच सेंसेस भी करती है, जैसे कि टेस्ट करना, हियरिंग, साइट देखना, स्मेल और टच। हम बहुत से हमारे कर्म इनसे जुड़े हुए हैं और 90% टाइम हम उस पर फोकस करते हैं। वी नेवर फोकस ऑन द अदर पार्ट विच इज कॉल्ड एज सोल। फिजिकल बॉडी जब हमें कुछ लगती है तो हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं, बराबर टेम्परेरी ठीक हो जाते हैं, बट क्यों होता है कभी जाने की कोशिश नहीं की है। वी नेवर थॉट इट रूट कॉज किया है। वी नेवर फोकस ऑन इनसाइड अवर बॉडी। इनसाइड अवर बॉडी देर इज नथिंग 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 बट समथिंग कॉल्ड एज सोल विच इज कॉल्ड एज आत्मा, जो दिखाई नहीं देती बट विच एग्जिस्ट। हम जब मरते हैं तो शरीर चेंज होता है बट सोल नेवर चेंज। इट टेक्स फ्रॉम द अदर बॉडी एंड इट गोज टू द अदर बॉडी बेस्ड ऑन योर कर्मा। अपने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे या बुरे कर्म किए होंगे उसके हिसाब से हमारी फिजिकल बॉडी चेंज होती रहती है। आत्मा सेम ही है बट वी फोकस ओनली ऑन द फिजिकल बॉडी नॉट ऑन द सोल। अगर हम थोड़ा भी टाइम अगर हमें सोल पे ध्यान देंगे तो ऑटोमेटिकली फिजिकल बॉडी जैसा हम चाहते हैं वैसा मिलेगा, बट हम उस पर फोकस ही नहीं करते। तो सोल क्या है बेसिकली? सोल इज नथिंग 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 बट इट इज कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ लाइट, ऊर्जा और एनर्जी। इट इज साइंटिफिकली प्रूव्ड, जैसे हम आइंस्टाइन थे बोलते थे ई इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर, दैट इज कॉल्ड एज एनर्जी। एवरीथिंग एंड एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड, इस पूरी दुनिया दो टाइप होता है, एक तो हमारा एनर्जी पे चलती है और एक होता है कर्म, बाकी कुछ भी नहीं है। अभी सोल होती है पॉइंट ऑफ लाइट या हमें बोलते हैं एनर्जी। अभी एनर्जी एनर्जी किसकी कम होती है किसकी बढ़ती है। जैसे जैसे हम अपनी एनर्जी को अपलिफ्ट करेंगे वैसे वैसे हमारी लाइफ में आपको जो चाहिए वो आपको मिलेगा, बट हम फोकस करते हैं फिजिकल बॉडी पे, ज्यादा एनर्जी पे फोकस नहीं करते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि एनर्जी को कैसे फोकस किया जाता है। अगर उसको हम जान लेंगे और अपलिफ्ट करेंगे आप देखें आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, जो आपको चाहिए वो आपको मिलेगा, बट आपको इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है, सिर्फ जाने से नहीं होगा, ठीक है। हम फोकस करते हैं फिजिकल बॉडी पे, अभी हमें फोकस पर करना है थोड़ा माइंड पे, सॉरी सोल पे करना है। सोल यानी एनर्जी, बराबर हिंदी हम उसको बोलते हैं आत्मा। ना इट इज़ नॉट विजिबल, वो दिखाई नहीं देती है, वो दिखाई नहीं देती है, वो आपको महसूस करना होगा। अब पहले आप मानोगे फिर आपको जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आपको जानना होगा, आप जानोगे तब आपको रियलाइज होगा कि येस आई एम नथिंग बट आई एम सोल, ठीक है। इट नेवर डाइज, जैसे बोलते हैं ना एनर्जी एनर्जी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनादर, जैसे एक शरीर से निकल के दूसरे शरीर में जाती है, वो ये एनर्जी, ये सोल नथिंग बट एनर्जी, ठीक है। ना अगर मैं डिफरेंस बताता हूँ कि वॉट इज फिजिकल बॉडी एंड सोल। ना सोल इज नॉन फिजिकल और स्पिरिचुअल और इनटेंजिबल। इनटेंजिबल मतलब टच नहीं कर सकते, टच करेंगे तो पता नहीं चलेगा। और फिजिकल बॉडी टेंजिबल होता है, टेंजिबल मतलब टच, वी कैन टच, हम फील कर सकते हैं फिजिकल बॉडी। सोल इज एन एक्टर, मेरा बॉडी इज अ कॉस्ट्यूम। सोल जो हमारी आत्मा है वो ड्राइवर है और बॉडी है हमारी वहीकल, ठीक है। वहीकल कितना भी अच्छा हो अगर ड्राइवर बराबर चलाने वाला नहीं होगा तो गाड़ी बराबर चलेगी नहीं चलेगी। सो व्हाट माय थॉट वाज, व्हाट थ्रू माय एक्सपीरियंस एंड थ्रू द रिसर्च ऑफ माय गुरुजी, दे टोल्ड मी दैट फर्स्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन योर सोल, मेक योर सोल प्योर, अपलिफ्ट योर एनर्जी थ्रू स्पिरिचुअलिटी। Then whatever you want in life, materialistic things, non-materialistic things, relations, everything will be fine. We have to first find the root cause of a particular thing. We are not finding the root cause. हम जल्दी heal करने के लिए सोचे कि ये problem है कैसे करूँ, but क्यों हुआ है कभी नहीं सोचते, इसका कारण क्या कभी हम सोचा नहीं। जब तक हम लोग root cause तक नहीं जाएंगे हमको solution नहीं मिलेगा। ये temporary है, वापस बीमारियाँ होगी, खत्म होगी वापस चालू होगी, ठीक है। Now, there are certain characteristics of soul.
जैसे नॉलेज, लव, हैप्पीनेस, साइलेंट, प्योरिटी, पीस एंड पावर. जब हम थ्रू मेडिटेशन, थ्रू स्पिरिचुअलिटी हम सोल को जानोगे तो एक एक विद्या हमें मिलेगी. जैसे लव मिलेगा, नॉलेज मिलेगा, हैप्पीनेस मिलेगा, प्योरिटी, पीस एंड पावर मिलेगा. देन यू विल कम टू नो दैट हु यू आर, आप कौन हो, व्हाट इज योर पर्पस ऑफ योर लाइफ. नाउ जैसे चार पार्ट में से एक पार्ट हो गया मी, मैं कौन हूँ. ठीक है, अभी हमें मानना है कि मैं एक सोल हूँ, एक आत्मा हूँ, एक प्योर सोल हूँ. ठीक है, फिजिकल बॉडी तो एक माध्यम है जो चेंज होते रहता है. ठीक है, बेस्ड ऑन योर कर्मा. सेकेंड पार्ट आता है कि माइंड. नाउ लोगों को बहुत मिसकंसेप्शन है कि माइंड एंड ब्रेन एक होता है, ब्रेन और माइंड एक होता है. नो, इट इज टोटली डिफरेंट. ब्रेन इज एक फिजिकल बॉडी एंड माइंड इज अ सॉफ्टवेयर ऑफ द ब्रेन. माइंड भी हम देख नहीं सकते, पर अगर लाइफ में जो भी हो रहा है बिकॉज ऑफ योर माइंड, विच इज प्रूवन साइंटिफिक लेवल. ब्रेन तो हमारा सेल में होता है, बट जो माइंड है इट इज अ सॉफ्टवेयर, वो हमें जानना बहुत जरूरी है. माइंड होता है तीन प्रकार के, एक होता है कॉन्शियस माइंड, एक होता है सब कॉन्शियस माइंड और एक होता है सुपर कॉन्शियस माइंड. हम अभी जो बात कर रहे हैं, आप सुन रहे हो, हमारे डेली रूटीन में जो भी काम काज हो रहा है, दिस इज ऑल ऑफ कॉन्शियस माइंड एंड इट वर्क्स ओनली 18%. आपके लाइफ में पास्ट में जो हुआ है, प्रेजेंट में जो हो रहा है और फ्यूचर में होगा, इट इज 100% बेस्ड ऑन योर सबकॉन्शियस माइंड. If you believe or not, our life is made up of two things. Again, I'm explaining this. One is energy and one is karma. आप कोई भी लाइफ में कुछ अच्छे काम किए होंगे या बुरे काम किए होंगे, उसके हिसाब से आपकी कुंडली बनी, उसके हिसाब से आपके माँ बाप बने, उसके हिसाब से आपका पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर डिसाइड हो गया है. यू नेम इट एनी एंटरप्रेनर, यू नेम इट शिव खेरा ऑथर और दीपक चोपड़ा और संदीप महेश्वरी और आइंस्टाइन और एवरीबडी विल टॉक अबाउट दिस ओनली, कर्मा एंड एनर्जी, कर्मा एनर्जी. द वे ऑफ टॉकिंग टू अदर्स इज डिफरेंट बट द एंड रिजल्ट इज वन एंड द सेम. वॉट एवर दे आर सेइंग इज एब्सोल्युटली ट्रुथ. आई बीन टू विपासना, आई बीन टू ओशो, आई बीन टू ब्रह्मा कुमारी, एवरीबडी टॉक अबाउट द सेम थिंग. दिस माइंड इज मेड अप ऑफ थ्री पार्ट्स, एज आई सेड, कॉन्शियस, सब कॉन्शियस एंड सुपर कॉन्शियस. हमारे लाइफ में जो भी हो रहा है इज बेस्ड ऑन योर सुपर कॉन्शियस. अभी सुपर कॉन्शियस में हमारी जो भी हमने कर्म किए होंगे वो सब सुपर कॉन्शियस माइंड में चले गया है. अभी सुपर कॉन्शियस माइंड में जाए कैसे, बराबर है? इसके तीन प्रकार होते हैं. एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ध्यान. ध्यान करके हम ध्यान करते हैं, जब ध्यान करके हम सुपर कॉन्शियस माइंड में जा सकते हैं. और सुपर कॉन्शियस माइंड में जाके हम जो भी कमांड देंगे, पॉजिटिव इंटेंशंस देंगे, वो मैनिफेस्ट होगा, मैनिफेस्ट होगा. ठीक है, नाउ दूसरा एक है जो हम ऑटोमेटिकली सबकॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं. जब हम रात को बेड पे सो रहे हो, वी आर स्लीपिंग, लेकिन पूरी तरह नहीं सो रहे हो, जस्ट लेटे हो, वो 15 मिनट की जो अवस्था होती है वो सबको सबकॉन्शियस माइंड में हम चले जाते हैं. सेकेंड, जब हम बेड से उठे हैं बट ज़मीन पे पैर नहीं रखे, जस्ट बेड पे उठे हैं, वो नेक्स्ट 15 मिनट्स सुबह के हम ऑटोमेटिकली सबकॉन्शियस माइंड में जाते हैं. वो टाइम पे आप जो भी पॉजिटिव एफर्मेशन डालते हो वो मैनिफेस्ट हो, वो मैनिफेस्ट हो. ठीक है, एंड थर्ड आता है सुपर कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और सुपर कॉन्शियस माइंड. सुपर कॉन्शियस माइंड मतलब क्या होता है, यू डायरेक्टली कनेक्टेड टू द बॉडी, डायरेक्टली कनेक्ट टू द गॉड. अपने और अपने गॉड के बीच में एक रेजिस्टेंस है, हमारे विचार, हमारे विचार. अगर हम विचार को जीरो फ्रिक्वेंसी में लाते हैं, यू विल बी डायरेक्टली कनेक्टेड टू द गॉड. गॉड इज नथिंग बट एन एनर्जी. ठीक है, कॉन्शियस माइंड मतलब क्या होता है, बेसिकली डेली रूटीन वर्क होता है, अपने सॉफ्टवेयर ऑफ द ब्रेन बोलते हैं उसको. नॉर्मल एक्टिविटीज जो खाते हैं, पीते हैं, सोते, बात करते हैं, अवेयरनेस, नॉर्मल सेंस होता है कभी थोड़ा बहुत, न्यू लर्निंग, कुछ नया सीखना है, या अनप्रोग्राम पार्ट, कुछ नया कुछ सीखना है आपको, दैट इज कॉन्शियस माइंड होता है.
सबकॉन्शियस माइंड बोलते हैं हमारा हार्ड डिस्क ऑफ द ब्रेन होता है, ठीक है, हमारे पास्ट प्रेजेंट जो कर्म हमने किए हुए हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जड़ा हुआ होता है। हम बोलते हैं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं किसी के लिए अच्छा कर रहा हूँ, आई एम डूइंग समथिंग गुड फॉर अदर, मेरे बारे में मेरा सब कुछ बुरा क्यों हो रहा है, इट इज़ बेस्ड ऑन योर पास्ट कर्म। सी यू नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, आपके लाइफ में जो भी हो रहा है पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, जितना जल्दी आप जान जाओगे उतना बेटर है। 15 years of journey of spirituality, at age of 16 जब मैंने विपासना चालू किया था, विपासना से मैंने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी चालू की थी, देन कहीं ना कहीं मैं थोड़ा सा भटक गया था, आई वॉज मोर इन टू माई स्टडीज, मैंने इंजीनियरिंग किया, MBA फाइनेंस की, अच्छी कंपनी में नौकरी लगी, फिर वापस मैं स्पिरिचुअलिटी में आया, तो बहुत से सीखे मैंने गुरु जी से मिले, मैंने उनसे पूरी विद्या सीखी, तो मैंने जाना कि लाइफ में बहुत कुछ करना बाकी है। पैसा सब कुछ है, यस, पैसा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ, बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है आज की दुनिया में, अगर कोई बोलता है कि पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसने कोई पैसा कमाया नहीं है, विच इज़ फैक्ट। मनी इज इंपॉर्टेंट इन लाइफ, वेरी मच इंपॉर्टेंट इन लाइफ, बट विद गुड इंटेंशन। अगर पैसा है तो घर चलेगा, पैसा नहीं तो घर नहीं चलेगा, तो ऐसा हम नहीं बोल सकते पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, मनी इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर आता है कि सबकॉन्शियस माइंड में थिंग्स हैपेंस ऑटोमेटिकली, हम बोलते हैं मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पहले से हमारे जो कर्म है वो बैठे हुए हैं। फिर होता है प्रोग्राम पार्ट होता है, बोलते हैं इंट्यूशन, अगर हम मेडिटेशन करते हैं सबकॉन्शियस लेवल में जाते हैं तो कुछ हमें इंट्यूशन पावर मिलते हैं, थर्ड आई बोलते हैं ना, थर्ड आई थिंक, कुछ सेंस होता है, अरे मैं सोचा था कि ये होने वाला हो गया, दैट इज कॉल्ड एज आपका सबकॉन्शियस पार्ट ऑफ द ब्रेन और माइंड एक्टिवेट होता है, ठीक है। थर्ड होता है सुपर कॉन्शियस माइंड, ये सुपर कॉन्शियस माइंड मतलब कैसे है, जब हमारा जो थॉट प्रोसेस है, हमारे जो विचार है वो जीरो लेवल आ जाते हैं, कुछ विचार नहीं आते हैं, जब हम डायरेक्टली कनेक्टेड टू द सोल हो जाते हैं, अल्टीमेट सोल जो गॉड बोलते हैं या एनर्जी बोलते हैं, फिर हमें एनर्जी मिलती है और ज़्यादा, हमें पावर्स मिलता है, जो बड़े बड़े ऋषि मुनि होते हैं बोलते हैं उनको सिक्स सेंस होता है, वो मेडिटेशन ध्यान करने से उनके चक्र एक्टिवेट होते हैं, वो लोग बोलते हैं कुंडलिनी एक्टिवेट हुई या चक्र एक्टिवेट हुआ है, तो उनको ऊपर से पावर मिलते हैं, दैट इज कॉल्ड सुपर कॉन्शियस माइंड। लेकिन टेल एनीथिंग, हम उसको भगवान मानते हैं, बट भगवान हमारे अंदर ही है, हम भी वो पावर कर सकते हैं, हम इस युग में भी वो सिद्धियाँ प्राप्त कर सकते हैं, बट हमें वो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सुनने से कुछ नहीं होगा, हमें इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट करेंगे तो ही यू गेट द रिजल्ट, अदरवाइज विल नॉट गेट द रिजल्ट, ठीक है ना। एक हो गया मी, मैं कौन था, जो बोलते हैं मैं सोल एक आत्मा हूँ, सेकेंड हो गया हमारा मन माइंड, और थर्ड होता है ब्रेन जो फिजिकल बॉडी होता है हमारा। अभी हमारा जो ब्रेन है दिमाग, वो दो पार्ट में डिवाइड हुआ है, एक लेफ्ट हैंड साइड ब्रेन होता है और एक राइट हैंड साइड ब्रेन होता है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, जो लेफ्ट हैंड साइड होता है वो एनालिटिकल थॉट बोलते हैं, जो प्रैक्टिकल बोलते हैं ना, लॉजिक प्रैक्टिकल, जिसका अगर लेफ्ट साइड ब्रेन ज़्यादा एक्टिवेट है वो ज़्यादा लॉजिकल होगा, ज़्यादा प्रैक्टिकल बात करेगा, और जो राइट साइड होता है ब्रेन होगा वो ज़्यादा क्रिएटिव होगा, क्रिएटिव होगा, म्यूजिशियन होगा, आर्टिस्टिक होगा, ऐसा रिसर्च में पाया गया है जो मैं गुरु जी बोलते हैं, जो लेफ्टी होते हैं ना लेफ्टी, उनके राइट ब्रेन जो है तो वो ज़्यादा एक्टिव होता है, और जो राइटी होते हैं उनका लेफ्ट ब्रेन माना गया कि ज़्यादा एक्टिव होता है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि माइंड और ब्रेन दोनों अलग चीज़ है, ब्रेन इज अगेन अ फिजिकल पार्ट एंड माइंड इज अ सॉफ्टवेयर विच रन्स, ठीक है। तो हमें दो पार्ट सीखे, एक तो मैं कौन हूँ एंड सेकेंड इज माइंड। थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो हम बताते हैं मनी। नाउ व्हाट डू यू थिंक अबाउट मनी, यू नो मनी क्या है, व्हाट आर यू बिलीव प्रोसेस अबाउट मनी। लोग बोलते हैं कि पैसा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा पैसा होता है तो आदमी बुरे कामों में ज़्यादा ये करता है ना, बुरा बन जाता है या बुरी लत लगती है। बाबा पैसा नहीं होता तो ही बुरी लगता है, विच इज़ फैक्ट। मनी इज नथिंग बट एन एनर्जी,
एवरीथिंग एंड एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज एनर्जी. ये लैपटॉप एक एनर्जी, आप एनर्जी, मैं एनर्जी हूँ, ये एनर्जी है, सब कुछ एनर्जी. हमारे कपड़े एनर्जी है. अगर हम कपड़े को वॉर्डरोब में रखेंगे, कपाट में रखेंगे और 6 महीने तक नहीं निकालेंगे तो डस्ट जमा होगी. जैसे मनी भी है, पैसा भी एनर्जी है. अब जो सोचोगे वैसा आपको पैसा मिलेगा. इफ यू थिंक पॉजिटिव आपको पैसा मिलेगा. हम सोचते नहीं हैं. सबसे इंपॉर्टेंट चीज है थिंक पॉजिटिव ओवर मनी. इफ यू वांट टू अर्न मनी, इफ यू वांट टू अर्न 1 crore, यस यू हैव कैपेसिटी टू अर्न 1 crore, व्हाई नॉट. पर सोचते ही नहीं. सोचने में पैसा नहीं लगता तो भी नहीं सोचते हैं. डर लगता है इतना पैसा आ जाए तो मैं क्या करूँ, विच इज फैक्ट. सी भगवान, भगवान को ये पता नहीं क्या सच है क्या झूठ है. वो तथास्तु करता है. नहीं चाहिए तथास्तु, चाहिए तथास्तु. हम मानते नहीं है. सी एवरी ह्यूमन बींग कैन अर्न मनी वॉट एवर इन ही वॉन्ट्स इन लाइफ, बट फर्स्ट ही शुड हैव बिलीफ इन आवर सेल्फ. खुद पे बिलीव होना चाहिए. वे आपको ऊपर वाला देगा. ऐसा नहीं आप 1 crore सोचोगे तो ऊपर वाला पैसा दे देगा. नहीं, आपको वे दिखाएगा. आप वे पे चलोगे तो आप यू विल अटेन दैट मनी. अगर आप सोचते नहीं तो मिलेगा कैसे. अरे पैसा बहुत बुरी चीज़ है, ये है वो है. तो करोड़पति आदमी या अरबपति आदमी कभी नहीं बोलेगा कि पैसा बुरी चीज़ है. फैक्ट है. जिसने पैसा नहीं कमाया वही सोचता है कि बुरी चीज़ है, तो उसने कभी पैसा कमाया. हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपका इंटेंशन अच्छा होना चाहिए, आपके भाव अच्छे होने चाहिए. अगर भाव अच्छे नहीं होंगे पैसा आएगा तो जाएगा भी. और हम लोग नेगेटिविटी को पहले पकड़ते हैं, नेगेटिविटी को पहले पकड़ते हैं, पॉजिटिविटी को नहीं पकड़ते. आज न्यूज चैनल या जो भी जहाँ पे न्यूज पेपर है टीवी पर नेगेटिव आएंगे तो पहले पकड़ेंगे, वो दिमाग में जाते हैं, पॉजिटिव नहीं जाते. सो वन शुड हैव पॉजिटिव अप्रोच टूवर्ड्स मनी. सी इस दुनिया में अबंडेंस है, सबके लिए सब रखा है. ये जो हम सोल बोलते हैं, आत्मा बोलते हैं, ये हमारे पिता है. तो पिता से हम मांगते हैं डैडी मेरे को दे दो. नहीं, डैडी मुझे चाहिए. जैसे पैसा भी अबंडेंस में, मुझे चाहिए. कैसा होगा क्या होगा मत सोचो, ऊपर वाला वे दिखाएगा. पर हमें सोचना है, हम सोचते नहीं हैं. पैसे के बारे में अच्छा सोचना है, पैसा बुरी चीज़ नहीं है. बट इंटेंशन आपका अच्छा होना चाहिए. सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इंटेंशन. ठीक है, मनी इज इम्पोर्टेंट फैक्टर इन आवर लाइफ. एवरी करेंसी नोट कॉइन, हर एक नोट या कॉइन में एक ऑरा होता है, एनर्जी. साइंटिफिकली प्रूव किया हुआ है, रिसर्च है, उसके टेस्टिमोनियल सर्टिफिकेट सब है. पैसे का भी एक एनर्जी होता है, एक ऊर्जा होती है. ठीक है, हमें एक्सचेंज ऑफ एनर्जी करनी बहुत ज़रूरी है. एक जगह पर एनर्जी होगी तो ब्लॉक होगा. कोई भी करोड़पति अरबपति आदमी देखो, उनके बैंक में पैसा नहीं होता, मनी सर्कुलेट होता है. तो अनोइंगली अनोइंगली उनको पता है कि मनी भी एक एनर्जी है, वो फ्लो होना बहुत ज़रूरी है. हम एक जगह पे जमा करके रखते हैं, नहीं वो कभी पूरेगा नहीं, उसमें भी जंग लगेगी, बिकॉज वो भी एनर्जी है. हम कोई भी वस्तु को 6 महीना या ग्लास को 6 महीना 8 महीना अगर बंद रखोगे तो कचरा भरेगा ना. ऐसा ही मनी है, पैसा है. पैसा बुरा या अच्छा नहीं, हर एक की अलग अलग मान्यता है. आप जैसे सोचोगे वैसा वो हो. मेरे हिसाब से आप अच्छे हो सकते हैं, उनके हिसाब से आप बुरे हो सकते हैं. आपको डिपेंड करना है कि आप अच्छे हो कि बुरे हो. खुद आदमी डिसाइड करेगा. लेकिन राइट एंड रॉन्ग इन दिस होल वर्ल्ड, इट इज यू, यू डिसाइड व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग. नाउ ये बहुत सुपर कॉन्सेप्ट, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज वेल्थ एंड मनी. हमें ऐसा कुछ काम करना है जिससे मनी शो रन आफ्टर यू, यू डोंट हैव टू रन आफ्टर मनी. हम पैसे के पीछे नहीं भागना चाहिए, पैसा अपने पीछे भागना चाहिए. और बहुत से आप देखोगे मल्टी मिलियनेयर पैसा उनके पीछे भागते हैं, वो पैसे के पीछे नहीं भागते. हम पैसे के पीछे भागते हैं क्योंकि उन्होंने ये 4 चीज़ें समझ ली हैं. ये मी, माइंड, मनी एंड स्पिरिचुअलिटी, ये चारों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अलग नहीं हैं. लोग बोलते हैं कि स्पिरिचुअलिटी में अगर जो जाता है तो वो पैसा से अलग हो जाता है. जो पैसा जिसका ज़्यादा है वो स्पिरिचुअल में नहीं आता है. गलत.
जो आदमी स्पिरिचुअल होगा वही पैसा कमाएगा, वही वेल्थ कमा सकता है. स्पिरिचुअलिटी और रिलीजियस बनना दोनों डिफरेंट है, एक नहीं है. ये जानना आपको बहुत ज़रूरी है. स्पिरिचुअलिटी एंड रिलीजियस दे आर टू डिफरेंट थिंग. गोइंग टू मंदिर और गोइंग टू गुरुद्वारा या गोइंग टू दरगाह, इट इज़ रिलीजियस, इट इज़ नॉट स्पिरिचुअलिटी. स्पिरिचुअलिटी मतलब अपने आप को जानना, मैं कौन हूँ, हु एम आई, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ माई लाइफ, मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ. हमें अपने आप को जानना, दैट इज कॉल्ड स्पिरिचुअलिटी. प्योरिटी, कर्म, हम जो अच्छा काम करते दैट इज स्पिरिचुअलिटी. ठीक है. नाउ वेल्थ. वेल्थ एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें मनी रन आफ्टर यू, यू डोंट हैव टू रन आफ्टर मनी. पैसा आपने पीछे दौड़ना चाहिए, हम पैसे के पीछे नहीं दौड़ना चाहिए. दैट इज कॉल्ड वेल्थ. ठीक है. जो भी पैसे वाले लोग रहता है वो कभी इनसिक्योर नहीं होते पैसे के मामले में. उनको पता है पैसा आना ही, ऊपर वाले ने बहुत रखा है, वो मांगते नहीं, मेरे को दे दे नहीं मांगते. उनको पता है, वो बोलते चला जा, आ जाता है. हम मांगते, हम पैसे के पीछे दौड़ते हैं, पैसा अपने से दूर दौड़ता है. सेकेंड, जो वेल्दी पीपल है दे क्रिएट अ सिस्टम, सिस्टम रन फॉर देम. जो भी आप देखो, धीरू अंबानी देखो या नारायण मूर्ति देखो, टाटा बिरला, उन्होंने एक सिस्टम बनाया है, एक सिस्टम बनाया है. सी अंडरस्टैंड वन थिंग, टाइम इज प्रोपोर्शनल टू मनी. टाइम इज प्रोपोर्शनल टू मनी. हमारे दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होता है हमारे पास, सिर्फ 24 घंटे. हम दिन में कितना घंटा काम कर सकते हैं? 10 hours, 12 hours, 10, 12, 14 hours. महीने में अप्रॉक्सीमेटली 300 घंटे काम कर सकते हैं. साल में छुट्टी उट्टी सब पकड़ के 3000 घंटे है. बराबर है. हम अपनी लाइफ में 30 साल तक काम करते हैं, अप्रॉक्सीमेटली पकड़ते हैं 90,000 घंटे, 90,000 आवर्स अपने पास. हमें लाइफ में जो भी, हमें लाइफ में जो भी करना है, ये सिर्फ 90,000 घंटे में जो भी करना है, अपलिफ्ट करना है, घर, गाड़ी, रिलेशन, ये वो, जो भी हमें लाइफ में जो भी पाना है 90,000 घंटे. धीरू अंबानी, टाटा बिरला, इनके पास भी 24 घंटे दिन में, ये भी 10 से 12 घंटे काम कर सकते हैं. बराबर. इनके अंडर 100,000 लोग काम करते हैं. हर एक आदमी 8 घंटा भी काम करता है तो 800,000 घंटे हो गए एक दिन में. पूरी ज़िंदगी में हमने 90,000 घंटे और उनके एक दिन में 800,000 घंटे. पूरी ज़िंदगी में अपने जितना नहीं कमाया ना वो आधे घंटे में कमाते. हमारे पास कुछ एक स्किल है, एक लेवल तक बढ़ा सकते हैं. उनके पास तो 100,000 लोगों के स्किल है, तो मोर टाइम मोर मनी, एक सिस्टम बना दिया है. एंड सिस्टम रन फॉर देम, दैट्स व्हाई दे आर मोर वेल्दी. मुकेश अंबानी अगर 1 साल तक काम पे नहीं आएगा ना तो उसका टर्नओवर काफ़ी होगा बढ़ेगा. उन्होंने सिस्टम बना दिया, सिस्टम रन फॉर. अब नारायण मूर्ति रिटायर्ड भी होगी तो भी क्या हो गया, उन्होंने सिस्टम बना दिया तो पैसा आ गया ही है, उतने परसेंटेज और शेयर है उनके पास. वेल्दी पीपल, जो वेल्दी पीपल होते हैं, वेल्थ, जिनके पास वेल्थ है, दे ऑलवेज थिंक लॉन्ग टर्म. दूर की सोचते हैं, हम नज़दीक की सोचते हैं. 1 महीना काम किया, 2 महीना काम किया, पगार चाहिए. या छोटे बिजनेस मैन 2-3 महीना काम किया, पगार चाहिए. वो दूर की सोचते हैं. अच्छा, मैं अगर कोई 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 चीज़ में इन्वेस्ट करता हूँ, कोई बिजनेस में डालता हूँ या कुछ में कुछ काम करता हूँ, 5 साल 10 साल में उसका रिटर्न क्या है, दूर की सोचते हैं. एग्जाम्पल देता हूँ, बिल्डर जब एक मॉल बनाता है तो 5 साल 10 साल लगाते हुए एक मॉल बनाने में, ठीक है, पैसे पैसे तो उसने डाले. 10 साल के बाद पूरा मॉल रेंट पे दिया, पूरी ज़िंदगी में पैसा आएगा उसको रेंट में, प्लस वो जगह का एप्रिसिएशन. दूर की सोचा, लॉन्ग टर्म. वो हमेशा दूर की सोचते हैं. दे ऑलवेज बिलीव इन डिलेड ग्रेटिफिकेशन. हम ऐसा सोचते हैं कि अरे पैसा डाला तो जल्दी आना चाहिए, काम क्या जल्दी आना चाहिए. बोला नहीं, भाई मैं उसको नींव डाला हूँ, उसको मैं स्ट्रांग बनाऊंगा और ऐसा कुछ करूँगा कि 5-7 साल के बाद मेरे, भगवान ना करे मेरे को कुछ हो जाए, मेरी पुश्तियाँ खाती रहेगी. उन्होंने एक सिस्टम बनाया. नाउ वेल्दी पीपल ऑलवेज टेक कैलकुलेटेड रिस्क. And we never take risk. We are afraid of taking risk. What is risk? Risk क्या चीज़ है? Risk और fear क्या है? कुछ नहीं है, है ही नहीं. हम जो होने वाला है या नहीं होने वाला, उसको पहले से हम predict करते हैं, which is fear and risk. अरे अगर ये हो गया तो, अगर वो हो गया तो, हमने predict कर दिया, इसलिए हम आगे नहीं बढ़ते. Actually risk और fear होता ही नहीं है, हम पैदा करते हैं. It never exists. Risk word क्या है? Fear word क्या है?
अरे ऐसा होगा तो, अगर वैसा होगा तो, पर हुआ ही नहीं है. हमने पहले से प्रेडिक्ट कर दिया, इसके लिए हम एक स्टेप लेते ही नहीं. इफ यू वॉन्ट टू बी सक्सेस एंड यू वॉन्ट टू बी हैप्पी, यू नीड टू टेक स्टेप. यू नीड टू टेक स्टेप. मे बी यू कैन टेक कैलकुलेटेड रिस्क, बट यू नीड टू टेक रिस्क इफ यू वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल एंड हैप्पी. अगर आप रिस्क नहीं लोगे तो विल नॉट स्टेप फॉरवर्ड. हर एक आदमी आप देखो, जो भी मल्टी मिलियनर बिलियनर जो भी बना, ही हैज टेकन अ स्टेप, ही हैज टेकन अ रिस्क. वो सोचते हैं कि अगर फेल हो गया तो, नहीं हुआ तो, ये हुआ तो. हम ज़्यादा सोचते हैं, लॉजिकल माइंड यूज करते हैं. 80% ऑफ पीपल वो आर मल्टी मिलियनर हु आर लेस एजुकेटेड, ज़्यादा दिमाग नहीं लगा. तो ज़्यादा दिमाग लगा था ना, लाइक MBA इंजीनियरिंग जैसे मैं भी बहुत दिमाग लगा था. वो एक बाउंड्री, हमने एक बाउंड्री बना दी, कोई गलत नहीं, हमने एक बाउंड्री बना दी. अब गूगल टाइप कीजिए, 80% ऑफ पीपल हु आर लेस एजुकेटेड आर मल्टी मिलियनर. ज़्यादा दिमाग नहीं लगता. अच्छा ये करना है तो करना है. हाँ, इंटेंशन आपके अच्छे होने चाहिए. द इमोशंस, इंटेंशन, आपके जो भाव शुड बी गुड. अदरवाइज अगर पैसा आ भी जाएगा तो चले भी जाएगा. आपके भाव अच्छे होने चाहिए, ठीक है ना. वेल्थी पीपल दे ऑलवेज फोकस ऑन मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम. एक में पैसा नहीं लगाते, तीन चार चीज़ों में पैसा लगाते. एक में चला तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा. वेल्थी पीपल दे ऑलवेज फोकस ऑन वन और टू सोर्स ऑफ इनकम, एक या दो सोर्स. वेल्थी पीपल ऑलवेज फोकस ऑन इंक्रीजिंग देयर वेल्थ. पैसा को पैसा मल्टीप्लाई कैसे करें. एंड नॉर्मल पीपल दे ऑलवेज फोकस ऑन पे चेक. 50,000 को 75,000 में कैसे करूँ, 1,00,000 कैसे करूँ, जैसे कंपनी में 30% का अंदर चले चले जाए ना. यू आर ऑलवेज फोकसिंग ऑन शॉर्ट टर्म. यू ऑलवेज थिंक ऑफ लॉन्ग टर्म. वेल्थ कैसे करो, 10 करोड़ को 100 करोड़ कैसे बनाओ, 100 करोड़ को 200 करोड़ कैसे बनाओ. वेल्थी पीपल की सबसे बड़ी खासियत है कि दे एवरी डे दे लर्न, हमेशा सीखते हैं, सीखना बंद नहीं करते हैं. नॉर्मल पीपल बोलते हैं कि नहीं, हमें इंजीनियरिंग MBA बस हो जाए, सीखना बंद, अभी कुछ करो. नहीं, कोई भी मल्टी मिलियनर बिना देखो, अभी भी वो सीखते हैं. जहाँ पे नॉलेज मिला, दिल टेक नॉलेज एंड दिल अप्लाई इट बाय टेकिंग रिस्क, एंड देयरफॉर दे आर सक्सेसफुल एंड हैप्पी. हमेशा आपको सीखना होगा. अगर लाइफ में आगे बढ़, कुछ ना कुछ सीखना होगा. मैं विपासना गया, कुछ सीखा. मैं ब्रह्म कुमारी गया, कुछ सीखा. ओशो आश्रम गया, कुछ सीखा. माइंड पावर किया, कुछ सीखा. सीखा, अप्लाई किया, एक्सपीरियंस किया. मैं गुरुजी ने रिसर्च किया, इज अ डॉक्टर रिसर्च. बिलीफ आया, फेथ आया, रिजल्ट आया, एक्सपीरियंस शेयर करो. वेल्दी पीपल ऑलवेज फोकस ऑन अपॉर्चुनिटी. रिसेशन में पैसा कैसे कमाए, वो वेल्दी पीपल सोचते हैं. नॉर्मल पीपल कोसते हैं, अरे रिसेशन हो गया, अभी कुछ होगा नहीं, कोसते हैं. उस पर अपॉर्चुनिटी, जितना ज़्यादा रिसेशन उतना ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है बढ़ने का. हर रिसेशन में मार्केट डाउन है, ज़्यादा पैसा डाले. ज़्यादा सोचते हो, दूर का सोचते हैं. तो पैसे बुरी चीज़ नहीं है, बट पैसा कमाने से पहले आपके आपको चेंज होना बहुत जरूरी है. देर आर टू टाइप ऑफ चेंज विच इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट इन योर डेली लाइफ. एक होता है इंटरनल चेंज और एक होता है एक्सटर्नल चेंज. इंटरनल चेंज मतलब माइंड सेट, सोच, थॉट प्रोसेस, और एक्सटर्नल चेंज मतलब एक्शंस. अगर आप देखोगे 95% ऑफ पीपल हमेशा फोकस करते हैं कैसे करना है. बॉस ने बोला कैसे करना है, काम कैसे करना है. किसान ने बोला कैसे 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 कैसे. और जो मल्टी मिलियनर पीपल है ना, वो कभी सोचते नहीं है कैसे, वो सोचते क्यों करना है, क्यों करना है. एक एग्जांपल देता हूँ, विजय माल्या. विजय माल्या को पता नहीं है कि दारू कैसे बनती है, बियर कैसे बनता है, और उसे पता है कि क्यों बनाना है. रिसेशन में दो चीज़ चलती है, एक हॉस्पिटल, एक दारू. बंदी होगा पड़ेगा, क्यों बनाना है. क्यू 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 ऑलवेज फोकस ऑन क्यू. हम हमेशा फोकस करते हो कैसे. एक चीज आपको समझना जरूरी है कि थॉट, हमारे विचार के ऊपर हमारी रियलिटी फोकस है. हम जो सोचते हैं वैसे ही हम बनते हैं, ये फैक्ट है. हम जैसे सोचते हैं वैसा हमारा एक इमेज क्रिएट होता है. एक इमेज क्रिएट होता है, उसके हिसाब से हम बोलते हैं. हम जो भी काम करते हैं पहले हम सोचते हैं, राइट. हम सोचते हैं उसके हिसाब से हम बोलते हैं, उसके हिसाब से हम एक्शन करते हैं, वो हमारा कैरेक्टर बनता है.
और फिर हम रियलिटी बन जाते हैं। अब एग्जाम्पल देता हूँ, एक बॉस है, उन्होंने कुछ सोचा है, आपको काम दिया है, बराबर है, आपने एक्शन किया है, काम अपने किया है, सोचा उसने, तो मिलेगा किसको, उसको जिसने सोचा है, जो सोचेगा उसको ही मिलेगा। तो क्यों हम ना सोचे? सी अंडरस्टैंड वन थिंग, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं माइंडसेट की बात करूँ, यू शुड नो योर पर्पस ऑफ योर लाइफ। हम कौन है, हु वी आर। एवरीबडी इन दिस वर्ल्ड, 1,000, 2,000, 200, 300, 400 crore की जनसंख्या, ईच एंड एवरी पर्सन हैज गॉट वन यूनिक क्वालिटी विच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। हर एक के पास एक यूनिक क्वालिटी है जो डिफरेंट है। सचिन तेंदुलकर एक ही बना, महात्मा गांधी एक ही बना, माइकल शूमाकर एक ही बने, नेल्सन मंडेला एक ही बने, हर एक में एक यूनिक क्वालिटी है जो डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। आप में भी एक यूनिक क्वालिटी है, जब आप जान लोगे तब देख लेना, नो बडी कैन स्टॉप यू टू बिकम व्हाट यू वांट टू बी इन लाइफ। और हम जानना नहीं चाहते, पूरी जिंदगी हम नेक्स्ट 30-40 years ऑफ लाइफ हम पैसे के पीछे दौड़ेंगे। हम सोचेंगे नहीं है, अभी हम पैसा कमाते हैं और 50 साल के बाद फिर मैं फैमिली को टाइम दूंगा, 50 साल के बाद अपने बच्चे बड़े हो जाएंगे फिर उनकी खुद की फैमिली होगी, फिर वो अपने लिए टाइम दे, क्या लाइफ। ऐसा कुछ करो, ऐसा कुछ करो कि 5 से 7 साल में ऐसा कुछ करो कि हम पैसा कमाए गए, मनी शुड रन आफ्टर मी, फिर हम खुद के बारे में सोचोगे कि हु यू आर, मैं कौन हूँ। और फिर हम स्पिरिचुअल में जाएंगे, जब हम जान जाएंगे कि मैं कौन हूँ, फिर आप देखना चमत्कार क्या होता है। बोलोगे हम मिलेगा। सुबह से शाम को हम जाते हैं, सुबह वी गेट अप इन द मॉर्निंग, गो टू वर्क, कम बैक होम, गेट अप इन द मॉर्निंग, गो टू वर्क, कम बैक होम, वी डू इट फॉर 10-20-30 years ऑफ अवर लाइफ। रात को आते हैं, बच्चे या बीवी के साथ बात की, टीवी देखा, सो गए, अपने बारे में सोचा है कभी, होते हैं मैं कौन, मुझे क्या चाहिए, नहीं सोचा, सोल के बारे में नहीं सोचा, आत्मा के बारे में नहीं सोचा। फिजिकल की बॉडी के लिए टाइम है, सोने के लिए टाइम है, बट वो आत्मा के लिए टाइम नहीं, जो है जो कि इतना पावरफुल टूल है, सोचते ही नहीं। सोचो, सोचो तो मिलेगा, सोचते नहीं तो नहीं मिलेगा। वर्ड्स को आदमी कभी नहीं पकड़ता है, इमेज को पकड़ता है। अगर मैं बोलूँ आपकी माँ को याद करो, माँ का पिक्चर आएगा, डैडी को याद करो, डैडी का पिक्चर आएगा, वाइफ को याद करो, वाइफ का पिक्चर आएगा, बेटे को याद करो, बेटे का पिक्चर आएगा, शाहरुख खान को याद करो तो शाहरुख खान का पिक्चर आएगा। आदमी हमेशा पिक्चर को ही पकड़ता है, इमेजेस को ही पकड़ता है। अगर आपको लाइफ में कुछ चाहिए तो इमेजेस को पकड़ो, इमोशंस डालो, मैनिफेस्ट हो, इतना पावर है हमारे थॉट प्रोसेस में। सो हमें 95% ऑफ टाइम हमें माइंडसेट पे डालना है, 20% ही एक्शन में डालना है। आप जो सोचोगे आपको वे मिलेगा, इसलिए आपको 20% टाइम देना है एक्शन में। अभी हम 80% टाइम एक्शन में देते हैं। यू नीड टू चेंज, ठीक है। सेकेंड, एक होता है फेथ एंड बिलीफ। फेथ क्या है, बिलीफ क्या है, लोग बोलते हैं कि ऑलमोस्ट सेम, नहीं है, टोटली डिफरेंट है। फेथ होता है आस्था और बिलीफ होता है विश्वास। गॉड को किसी ने देखा नहीं, फेथ है, फेथ है ना, मानते क्या गॉड है। जब आप जान जाओगे तो बिलीफ में कन्वर्ट होती है। एग्जाम्पल, बिलीफ मतलब क्या होता है, इट कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड रिजल्ट। आप कुछ बिजनेस कर रहे हो, बराबर, आप कुछ बिजनेस कर रहे हो और आपको बिजनेस में आपने पैसा डाला है, फिर था कि यार ये बिजनेस चलेगा। जब पैसा आना चालू हो गया तो एक बिलीफ आ गया, यार ये बिजनेस चलता है, पहले बट चालू किया फेथ से। जॉब भी किया, पहले पहले दिन नौकरी गए, मैं कर पाऊंगा कि नहीं, एक फेथ आया अंदर से। बट बिलीफ में जब आया, जब काम करने लगे, अच्छा पैसा भी आने लग गया, तो एक बिलीफ आया कि हाँ ये चलता है। तो हर एक चीज फेथ से चालू होती है और बिलीफ पे खत्म होती है। जब आपको कोई चीज पे बिलीफ तक पहुंच गए ना, तो कोई आपको रोक नहीं सकता, जहां भी आपको जाना है। पर आप फेथ नहीं अटक जाते हैं, बिलीफ तक पहुंचते नहीं है। बिलीफ तक पहुंचना जरूरी है, प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस आपको बिलीफ तक पहुंचोगे, ठीक है। होता है हमारी मान्यता क्या है बिलीफ के बारे में, पैसा के बारे में मान्यता क्या है। हमें हमेशा मानना चाहिए कि वी हैव ऑलरेडी अचीव मनी, वी आर अ बिलियनर, वी आर अ मल्टी मिलियनर, वी शुड थिंक, हम सोचोगे तो मिलेगा, नहीं सोचोगे तो नहीं मिलेगा। सेकंड,
मनी को ब्लॉक करके मत रखो, ये एनर्जी है, आपको फ्लो करना बहुत जरूरी है. इट शुड बी फ्लो, इट शुड नॉट बी ब्लॉक. पैसा एनर्जी आप ब्लॉक करोगे तो पैसा अट्रैक्ट नहीं होगा, नहीं मिलेगा. इट शुड बी फ्लो, द मोर यू फ्लो द मोर यू अट्रैक्ट मोर मनी. थर्ड, नेवर हैव एनी नेगेटिव फीलिंग अबाउट मनी. नेगेटिव मत सोचो, पॉजिटिव सोचो. पैसा बहुत अच्छी चीज है, ऐसा सोचो. इंटेंशन अच्छा होना चाहिए, भाव अच्छा होना चाहिए. सोचो, देखो, अब सिर्फ सोचो और देख लेना आपको पॉजिटिव. 15-20 दिन अगर सिर्फ सोचते रहोगे ना, अब आपको रिजल्ट अपने आप पता चल जाएगा. बोलते हैं रिस्पेक्ट करो, रिस्पेक्ट करो पैसे का. और रिस्पेक्ट, अगर आप जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उसका रिस्पेक्ट करो. अगर बिजनेस आप कोई प्रोडक्ट का बिजनेस कर, तो उसको रिस्पेक्ट करो. सेकेंड, डेली इन्वोकेशन करना है आपको. वो सुबह ध्यान करके आपको इन्वोक करना है कि थैंक यू गॉड. तब जो भी गुरु है, जो देवता, किसको भी मानते हो, उनको इन्वोक करना है. थैंक यू गॉड, तूने मुझे दिया. समटाइम्स यू नीड टू फेक इट टू मेक इट. समटाइम्स यू नीड टू फेक इट टू मेक इट. इमेजिन करो कि आप बन गए हो. इमेज लाओ, इमोशंस डालो. आप देखो आपको वे मिलेगा 100%. मांगने की जरूरत है, मांगते नहीं है, डरते मांगने के लिए. पैसा तो नहीं लगता है सोचने में, तो भी नहीं मांगते. ईगो, ईगो बहुत बड़ी चीज़ है. ईगो से हम बहुत कर्म बांधते हैं. आप इंजीनियर हो, MBA हो, जो भी हो, आपको पता है कि आप एज ऑफ नाउ कहाँ पे. अगर आपको वहाँ तक पहुँचना है, जो वहाँ पे लोग पहुँचे, उनके जैसा बनना होगा. आपको अपना ईगो डिजोल्व करना होगा. आपको पैसा स्पेंड भी करना होगा. जितना आप स्पेंड करोगे, अननोइंगली अननोइंगली आपको रिटर्न में मिलेगा. मैं क्यों खर्च करूँ, मैं क्यों खर्च करूँ. नहीं, यू नीड टू स्पेंड इफ यू वांट टू गेन समथिंग. आप जो भी देखो, मल्टी मिलियनर जो लोग हैं ना, वो चैरिटी में डालते, इधर डालते, ऊपर डालते, दे डोंट नो कैसा है. वो 80% ऑफ वेल्थ डालते हैं, उनका मल्टीप्लाई करके पैसा आते हैं. बिकॉज दे अंडरस्टूड वन लॉ ऑफ कर्म, विच इज कॉल्ड एज गिविंग एंड रिसीविंग. जितना आप दोगे, उतना मल्टीपल होके ही अपने पास आने वाला है. जरूरी नहीं पैसा ही देना है, अच्छे बोल बोलो. जितना आपकी जितनी कैपेसिटी, उतना आप दे सकते हो. इट्स ओके, एक फूल दे दिया, एक कार दे दिया, थैंक यू बोल दिया, पर देना जरूरी है. तो बोलते देना बोलता पैसा ही देना. नहीं, पैसा तो एक माध्यम है, साथ में अच्छे विचार बोल कुछ दोगे तो मल्टीपल होके ही आएगा. पास्ट में आपके जो भी हुए हैं, उसको भूल जाओ एंड लिव टू द प्रेजेंट एंड थिंक ऑफ द फ्यूचर. फ्यूचर इज इन आवर हैंड. फ्यूचर हमारे पास है, हमारे साथ है. वी आर, वी हैव अ एबिलिटी टू मेक आवर ओन फ्यूचर. एंड ग्रैटिट्यूड, हमें हमेशा थैंक यू बोलना चाहिए. हमारे रिलेशन कुछ भी हो, माँ बाप के साथ, भाई बहन के साथ, वाइफ के साथ, हमेशा थैंक यू बोलना चाहिए. दैट इज कॉल्ड ग्रैटिट्यूड. सुबह और शाम को थैंक यू भगवान, तुमने मुझे ये दिया. थैंक यू माँ बाप. कोई भी रिलेशन हो, आप देख लेना रिजल्ट, रिलेशन कैसे चेंज होती है. आप बनकर फिर से थैंक यू बोल. अब देख लेना 21 डेज, हमेशा बोलते हैं 21 डेज तक कोई भी चीज़ हम कंटिन्यूसली करते हैं, उसका इफेक्ट चालू होता है. एक और चीज़ है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बोलते हैं एटीट्यूड टूवर्ड्स मनी. हमारा एटीट्यूड क्या है, सोच क्या टूवर्ड्स मनी. लोग क्या बोलते हैं कि मनी इज नॉट एवरीथिंग, पर इट इज मोर देन फैक्ट. लोग बोलते हैं कि मनी कैन नॉट सॉल्व आवर प्रॉब्लम. पैसा सब प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता है, बट 95% ऑफ प्रॉब्लम आर सॉल्व विद मनी, विच इज फैक्ट. आज की दुनिया में 95% ऑफ प्रॉब्लम आर सॉल्व विद मनी. पैसा है तो फैमिली है, रिलेशन है, सब कुछ है, विच इज फैक्ट. लोग बोलते हैं कि मनी कांट गिव यू हैप्पीनेस, खुशी या वेल्थ नहीं दे सकता है. तो क्या पॉवर्टी भी नहीं देता है? वैसे भी पॉवर्टी तो दे रहा ही नहीं, बराबर है. आई वुड रादर, मैं ऑडी में ज़्यादा रोना पसंद करूँगा रादर देन फुटपाथ. बोलता है कि मनी अच्छी सेहत नहीं दे सकता है. मनी कांट गिव यू गुड हेल्थ, बट इट कांट इवन गिव यू बेटर मेडिकल फैसिलिटीज ना. पैसा है तो मैं अच्छे से हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कर सकता हूँ. सी, ये हमारा एटीट्यूड होना चाहिए, हमारी सोच होनी चाहिए. पैसा, हाँ,
इंटेंशन अच्छा होना चाहिए, भाव अच्छे होने चाहिए। अगर भाव बुरे होंगे तो रिटर्न आपको वैसा ही मिलेगा। बिल गेट्स ने बोला कि इफ यू बॉर्न पुअर इज नॉट योर फॉल्ट, बट इफ यू डाई पुअर इज योर फॉल्ट। सी, दो पॉइंट है, पॉइंट ए और एक पॉइंट बी। पॉइंट ए में जहाँ पे हमारा जन्म हुआ है और पॉइंट बी में जहाँ पे हमारी मृत्यु हुई है, ये बीच की जो जर्नी हमें पता नहीं हम कहाँ पे आज है कल नहीं है। ये पॉइंट ए और पॉइंट बी हमारे हाथ में नहीं है, और वो बीच की जर्नी हमारे हाथ में है। अगर आपका इंटेंशन, आपका डिजायर, इमोशन और लव, कंपैशन जो बोलते हैं, ये चार चीज हमने अपना ली, नोबडी कैन बीट यू व्हाट यू हैव इन लाइफ। इफ यू टेल मी आई एम अ मिलियनर, बिलियनर, यस मेंटली आई एम अ बिलियनर, आई एम टेकन अ स्टेप, नोबडी कैन स्टॉप मी टू बिकम अ मिलियनर इन नेक्स्ट 3, 5, 7 इयर्स, बिकॉज मेरा इंटेंशन, मेरे भाव अच्छे हैं और जो मैं कर रहा हूँ मैं सही कर रहा हूँ, तो नोबडी कैन स्टॉप। क्यों आया? बिकॉज मेनी टाइम्स आई फेल, और जितना टाइम मैं फेल हुआ उतना मैंने सीखा है, जितना सीखा है उतना आई एम नियर टू सक्सेस। बहुत अच्छा टॉपिक है, जैसे बोलते हैं टाइम ऑफ वर्क। लोग बोलते हैं अगर ज्यादा पैसा कमाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ज़्यादा मेहनत करोगे तो ही सक्सेसफुल होंगे, दैट इज कॉल्ड फिजिकल क्रिएशन, घर गाड़ी बंगलो जो चाहिए हो ज़्यादा मेहनत करना चाहिए। दूसरे लोग बोलते हैं स्मार्ट वर्क करना चाहिए, सोच के लॉ ऑफ अट्रैक्शन ध्यान करके मेडिटेट करके पा सकते हैं उसको स्मार्ट। और एक होता है नो वर्क, नहीं वर्क। अभी हमेशा वर्क को हम फिजिकल एक्टिविटी से कंपेयर करते हैं, नहीं। द मोर यू डू फिजिकल एक्टिविटी द लेस यू लर्न मनी। जो मल्टी मिलियनर लोग हैं, दे डू नो वर्क, दे डोंट डू हार्ड वर्क, दे डोंट डू स्मार्ट वर्क, दे डू नो वर्क, बिकॉज दे हैव अलाइन टू द गॉड। सिर्फ मांगते और मिलते हैं उनको, रास्ते में जो भी हो कितना मेहनत करते हैं, 12 घंटा 14 घंटा रास्ता बनाने के लिए कितना काम। हमेशा हमारी धारणा अलग है, वो जो ज़्यादा काम करेगा वही पैसा कमाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपने अपना पर्पस ऑफ लाइफ डिफाइन कर लिया और आप उसके अंदर चले गए, आप काम करोगे बट आप कभी थकोगे नहीं, नोबडी कैन बीट यू बिकॉज आपकी एक यूनिक क्वालिटी बनी। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको जानना है कि व्हाट इज योर पर्पस ऑफ योर लाइफ, हम क्यों आए हैं। वो तीन कारणों से हम कर सकते हैं। एक, ध्यान में बैठिए रात को या सुबह, आधा घंटा या एक घंटा आप ध्यान में बैठिए। इनिशियली आपको विचार आएंगे, आने दीजिए, विचार तो आएंगे। 10-15 मिनट के बाद आप देख लेना विचार धीरे धीरे कम होते जाएंगे। एक टाइम होगा कि 20 मिनट के बाद विचार नहीं होंगे, वो टाइम पे यू विल बी कनेक्ट टू द गॉड। और अब एक कंटिन्यूस प्रैक्टिस करेंगे, आपको एक पर्पस ऑफ योर लाइफ पता चल जाएगा। हम है ना पर्पस ऑफ लाइफ को भूल जाते, क्यों मानना है? एक होता है दुनिया का सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग बोलते हैं, हम लोग के हिसाब से चलते हैं। एक आदमी को इंजीनियर है, एमबीए है, उसे खाना पकाने का बहुत शौक है, लेकिन हिचकिच जाता है। अरे यार, लोग क्या सोचेंगे एमबीए बनके खाना पकाने का, लोग क्या सोचेंगे, उसको क्या इंटरेस्ट है वो मानने लगता है, पर लोग क्या सोचेंगे इसके लिए एमबीए किया, भले उसको इंटरेस्ट खाना पकाने में, जिसको कमाना है वो करोड़पति अरबपति भी कमा सकते खाना पका के होटल रेस्टोरेंट खोल के, पर हम डरते कि नहीं ये कर लिया तो लोग क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे। एक इंजीनियर एमबीए मारुति होंडा सिटी में जा रहा है, और एक अंगूठा छाप है वो ऑडी में जा रहा है, जयगांव में जा रहा है, लोग किसको पूछेंगे, उसको पूछेंगे, उसको नहीं पूछेंगे, विच इज फैक्ट ऑफ लाइफ। आप आईएम एमबीए प्रोफेसर से सीखना चाहोगे कि आप मुकेश अंबानी से सीखना चाहोगे या धीरूभाई अंबानी से सीखेंगे या टाटा बिरला से सीखना चाहेंगे, बट ऑब्वियसली उन्होंने सीखा बिकॉज भले उन्होंने कम पढ़ाई की है, उनको पता है कि पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, वो आपको प्रैक्टिकल सिखाएंगे। हमको ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि हाउ टू कनेक्ट विद द गॉड, टू द ऑलमाइटी सोल। एंड आई विल दिस लास्ट लाइन यू प्लीज या एक्सप्लेन वंस अगेन, नो वर्क नो वर्क दैट इज को क्रिएशन, व्हाट एवर यू वांट इन लाइफ, व्हाट एवर यू नो इज विद यू, द पर्पस ऑफ योर लाइफ।
Now, the only thing you want is you need to connect to the God. You connect to the energy, highermost energy. That you can do in three ways. First is meditation. Second is, ऐसी कोई चीज़ आप ढूंढ लो जिसे आप 14 से 16 घंटा करते हो बट आपको थकावट नहीं होती है. ऐसी कोई चीज़ है वो ढूंढने की कोशिश करो, वो आपका पर्पस ऑफ लाइफ होगा. और थर्ड और एक टेक्निक उसको बोलते हैं फाइव वाइज. पांच वाई क्वेश्चन पूछना है. फाइव वाइज जैसे मुझे MBA करना है. MBA क्या क्यों करना है? एक वाई क्वेश्चन पैसे के लिए करना है. सेकेंड क्वेश्चन क्यों करना है? इसके लिए करना है. क्यों ऐसे अगर आप पांच बार अगर पूछोगे ड्रिल डाउन करोगे तो आपको एग्जैक्ट पर्पस ऑफ योर लाइफ पता चल जाएगा. एग्जैक्ट क्यों करना ये जानना बहुत जरूरी है. नहीं तो चलो कर रहे हैं, अभी जॉब कर रहे हैं या छोटा सा मोटा बिजनेस कर रहे हैं, चल रहा है कटने तो नहीं है. अब जी जाओगे मर जाओगे पता भी नहीं चलेगा. जितना कमाए कमा के सी अंदर से अगर आप जाग जाओगे तो यू विल बी अ यूनिक पर्सन. बिकॉज मैंने अभी भी कहा है कि एवरीबडी हैज गॉट वन यूनिक क्वालिटी विच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर. यू नीड टू नो दैट देन देन यू आर कनेक्टेड टू द गॉड ना अपने आप आपको वे मिलेगा. आपको थकावट भी नहीं करेगा. आप जो करोगे उसमें सक्सेस ही पाओगे. आपको ना स्मार्ट वर्क करने की करिए ना हार्ड वर्क करने की जरूरत है. अब मांगो मिलेगा बट फर्स्ट यू नीड टू कनेक्ट विद द गॉड विथ गुड इंटेंशन. But even after that, you connect to God and it don't work at all, are you going to get it just like that? No, that's what I'm saying. You get a way. See, no work. Achha, you get a way to work. What to do actually? Yeah. Don't compare work with the physical work. Okay, achha. You get the way. Jahan aap 10 ghanta karna, aapko 2-3 ghante bhi mil jayega. Aur aapko thakavat bhi nahi lagegi. Because aapko usme interest hai, maza aa raha hai. Aap karoge paisa milega, karoge paisa milega. मिनिमम एफर्ट को क्रिएशन मतलब आप जो बोलोगे क्रिएट होगा. आपकी लाइफ में जो चीज आपको मिलेगा जो चाहिए एट योर एज ऑल्सो इफ यू वॉन्ट यू कैन गेट एवरीथिंग एनीथिंग इन लाइफ. मानना है सिंपल फंडा है. बहुत सिंपल सी टेक्निक है. एक्चुअली मैं थोड़ा फास्ट जाऊँगा बिकॉज 25 to 1 hour मुझे कम्प्लीट करना है. राइट एक्चुअली इसको 2 दिन लगते हैं पूरा समझाने में. You take your time, no problem. So what I do is at the end of the PPT, there is my phone number and email ID. You have a query, you can ask me, I'll clear all your doubts and queries. Very good. Now, sabse important cheez hai, there is something called a Sutra of Money. Isko bolte hai Sutra of Money. Ye bahut important cheez hai. पहले आपको जानना है कि इस जग में बहुत पैसा है, अबेंडेंस है, सब कुछ बहुत पैसा है अपने लिए. हमें सिर्फ लेना है, ये जानना बहुत जरूरी है. अबेंडेंस है इस दुनिया में. सेकेंड विद्या बोलती है फ्लो एनर्जी. जो मनी है एनर्जी है. देना सीखो अनोइंगली. जितनी अपनी हैसियत है उतना दो बट दो. अच्छे बोल बोलो, कुछ भी बोलो, रिटर्न में मल्टीप्लीकेशन करके ही आएगा. थर्ड होता है अटेंशन. आपको आपको लाइफ में जो भी चीज़ चाहिए है उस पर फोकस होना बहुत ज़रूरी है. एक चीज़ पर आप फोकस कीजिए और फोकस कीजिए 100% एनर्जी उसमें डालनी है. आप देखो मैनिफेस्ट होगा, मैनिफेस्ट होकर अपने पास आएगा. फोर्थ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है इंटेंशन. अगर आपके भाव अच्छे होंगे तो अपने साथ रहेगा. अगर भाव अच्छे नहीं हैं तो समझो आ भी जाएगा चला भी जाएगा. नहीं एग्जैक्टली व्हाट डू यू मीन बाय द भाव? भाव मतलब इंटेंशन. भाव मतलब आप जो तरीके से पैसा कमाते हो वो अच्छा तरीका होना चाहिए. पूरे तरीके से पैसा नहीं कमाना है, चोरी से पैसा नहीं कमाना चाहिए या अच्छा क्या पैसा कमा तो मैं वो कर दूंगा ये कर दूंगा. झूठ बोल के पैसा नहीं कमाना. अगर झूठ बोल के या रॉबरी करके या कुछ ऐसा काम करके गलत काम करके पैसा कमाओगे तो टेम्पररी पैसा आ भी जाएगा लेकिन वो चला भी जाएगा. मल्टी मिलियनर आप ऐसा बोलते हैं, टॉप वाले मल्टी मिलियनर कभी ऐसा नहीं सोचते.
वो हमेशा देने, आप देखोगे बहुत से लोग जो बड़े बड़े लोग हैं चैरिटी में विश्वास करते हैं, बिल गेट्स देखो, वॉरेन बफे देखो, चैरिटी देते हैं अनोइंगली। अब टाटा बिरला कैंसर रिसर्च ये सब क्या कर रहे हैं, वो दे रहे हैं, उनको अल्टीमेटली मिल रहा है कैसे करके, कैंसर रिसर्च ये करो वो करो ये करो, बहुत सी उन्होंने फ्री में अस्पताल हॉस्पिटल ये सब बहुत से खोले, अनोइंगली वो दे रहे हैं तो ऑटोमेटिकली उनको मिलेगा। इंटेंशन अगर उनका अच्छा है ना, ऊपर वाला मल्टीपल करके ही देने वाला है। अगर इंटेंशन बुरा नहीं हो, पैसा कमाएगा, कोई ना कोई रफड़े में पड़ेगा। इंटेंशन अच्छा हो, कमा रहे हो तो लोगों को दो, बट ऐसा दो कि वो अच्छे तरीके से वो यूज करें, अपने इंटेंशन शुड बी गुड। सेकंड इज शुड बी योर वैक्यूम, ये बिटवीन यू एंड गॉड, जो अलमाइटी एनर्जी हम जो बोलते हैं, एक होता है अपने विचार, नेगेटिव विचार, ये रेजिस्टेंस करते हैं कनेक्शन के लिए बिटवीन द क्राउन चक्र एंड टू द ऑलमाइटी गॉड। ओनली वन थिंग विच इज रेजिस्टिंग इज योर नेगेटिव थॉट्स। थ्रू ध्यान अगर मैं हम इसको निकाल देते हैं टाइप यू बी कनेक्टेड टू योर गॉड, आपको पता चल ही जाएगा कि आपको कैश नाउ ईजिली मिलेगा, विल बी प्योर थ्रू नॉलेज, प्योरिटी, जो भी हम चाहते हैं लाइफ में सब मिलेगा। सेकेंड इज अलाउिंग एनर्जी मिलती है, नॉलेज मिलता है, आपको राइट नॉलेज मिलेगा, आपको राइट पाथ मिलेगा कि आपको कहाँ जाना है कैसे जाना है, लेकिन उसके लिए आपको वैक्यूम क्रिएट करना बहुत जरूरी है। वैक्यूम एक तरीके से ही क्रिएट हुआ ध्यान से, आज के तारीख में ध्यान से क्रिएट होगा, और वो करना बहुत जरूरी है। अब एक ध्यान करोगे आप, बोलते हैं ना कि क्वेश्चन के आंसर आपके पास ही है, क्वेश्चन के आंसर आपके पास ही है, हम मान रहे हैं, जब हम जान जाओगे तो आपके लाइफ में सब कुछ मिल जाएगा। फेथ है, बिलीफ हमारा बाकी है। स्टेट में ना आपको ध्यान करना बहुत जरूरी है। अभी ध्यान मतलब कैसे, ये नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है जो स्पिरिचुअलिटी, उसमें आपको बताऊंगा, मनी के बाद आएगा मेडिटेशन, तो उसमें सेकेंड लास्ट है अलाउिंग। लाइफ में जो भी अच्छी चीज आ रहे हैं आने दीजिए। सी देयर लॉ ऑफ गिविंग एंड रिसीविंग, देना और लेना दोनों सही का होना चाहिए। देते हो तो दो, भी अगर मिलता है तो लोभ है, अरे नहीं नहीं नहीं, ये कुदरत का नियम है, लेना तो ले लो, जो भी मिल रहा है ले लो, एक पर्पस है आपके लाइफ में, अच्छी चीज़ बुरी चीज़ लाइफ में जो भी हो रहा है आपको उससे सीखने को मिल रहा है, ले लो। लाइफ में आपको कुछ बनना है उसके लिए ये कुछ लेसन दिए हैं, कुछ करना है लेसन दिए हुए, वो आपको ये लेवल तक पहुँचाएंगे। द मोर यू फेल द मोर यू आर नियर टू सक्सेस, विच इज फैक्ट ऑफ लाइफ। हम फेल होने से डरते हैं तो आगे पहुँचते ही नहीं। एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ग्रैटिट्यूड, बी थैंकफुल टू द गॉड, गॉड भगवान, माँ बाप, माता पिता, आपके जो भी रिलेशन कैसे भी हो, थैंकफुल, एटलीस्ट उन्होंने जन्म तो दिया है। माँ बाप सी अंडरस्टैंड, कोई बेटा माँ बाप से अच्छा व्यवहार करता है, बुरा व्यवहार करता है, नोबडी इज रिस्पॉन्सिबल, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन सेल्फ। आपने जो भी कर्म किए होंगे पास्ट प्रेजेंट, उसके हिसाब से आप इस जन्म में पैदा हुए, दैट यू नीड टू नो, यू नीड टू अंडरस्टैंड, दैट इज योर कर्म। सो यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन लाइफ, यू कैन क्रिएट योर ओन लाइफ एंड यू कैन डिस्ट्रॉय योर ओन लाइफ। हम खुद ही रिस्पॉन्सिबल हैं, आज मैं यहाँ पे हूँ, आई एम रिस्पॉन्सिबल, दूसरा कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं। फिर ये बहुत से टॉपिक्स है जो हम समझाता हूँ मैं, दो दिन का अगर रहता है, जैसे समथिंग कॉल्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मांगो और मिलेगा। फिर समथिंग कॉल्ड पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव कैसे सोचना है, सिर्फ पॉजिटिव सोचने से सोचें, हम अभी पॉजिटिव सोचें बाहर चले जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएंगे, उसे पॉजिटिव नहीं कहते, सिर्फ पॉजिटिव नहीं कहते। आउटसाइड वर्ल्ड 95% थिंक नेगेटिव, यू ऑल्सो नो, ऑल्सो नो, हम कितना भी मंदिर जाए ये करें, टेम्पररी हम पॉजिटिव सोचते हैं, बट कहीं ना कहीं हम नेगेटिव हो ही जाते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स में है कि नेगेटिव तो होना ही है, हमें अंदर से पॉजिटिव होना है। अगर मैं आपको बोलूँ बुरा मत बोलो, बुरा मत करो, बुरा मत सुनो, बुरा का एक इमेज आता है, मत का एक इमेज नहीं आता है, करो का इमेज आ गया, हम बुरा ही करें।
जैसे मैंने बोला वी ओनली सी इमेजेस, अगर बोला बुरा मत सोचो हम बुराई सोचें, बुरा मत देखो, को बोले ये बुरा मत देखना, बुराई देखेंगे हम, तो हम ऐसा बोलो ना, अच्छा करो, अच्छा बोलो, अच्छा सोचो। लोग ने मतलब का अलग मीनिंग ले लिया है। सी यू फर्स्ट हमें अपनी बॉडी को फर्टाइल करना है, फर्टाइल अंदर से होगा, बाहर से पॉजिटिव थिंकिंग टेम्पररी तक ही सीमित है। अंदर से अगर हम बोलते हैं मैं बढ़िया हूँ, मैं बेस्ट हूँ, तो अंदर से आवाज आएगी नहीं, ठीक है इनिशियली आएगी आवाज, वापिस बोलो मैं बहुत बढ़िया हूँ, आई एम पावरफुल, आई एम ग्रेट, अंदर से वापिस आवाज आएगी मैं नहीं, थोड़े टाइम तक आएगी, 20 दिन 21 दिन तक आप रोज बोलते रहोगे आई एम पावरफुल आई एम ग्रेट, तो आप देखना चेंजेस होना चालू हो जाएगा एक्सटर्नल में, आपको सिर्फ पॉजिटिव पीपल ही अट्रैक्ट होंगे। पॉजिटिव वी कैन बिकम ओनली फ्रॉम विदिन, नॉट फ्रॉम आउटसाइड, आउटसाइड 20% ही। यू गो टू सेमिनार, अब जो भी सेमिनार वर्कशॉप अटेंड करो, अभी आप मैं ये भी बता रहा हूँ आपको अच्छा लगेगा, टेम्प्रेरी अच्छा लगेगा, बाहर दुनिया आ जाओगे वापस आप वो दुनिया में आप अट्रैक्ट हो जाते हो, फायदा क्या, यू शुड बी पॉजिटिव फ्रॉम विदिन। दिस वर्कशॉप एंड एवरीथिंग इज अ टेम्प्रेरी इफेक्ट, सिर्फ जानना बहुत अच्छी चीज़ है, मानना बहुत अच्छी चीज़, आप जानोगे जब तक आप इम्प्लीमेंट नहीं करोगे रिजल्ट नहीं आएगा, इम्प्लीमेंट करोगे तो ही रिजल्ट आएगा, एंड मिनिमम 21 डेज तक कंटिन्यूसली करोगे तो रिजल्ट स्टार्ट होगा, एक दो दिन करोगे तीन दिन करोगे अच्छा आ गया छोड़ दिया नहीं होगा, ऐसा नहीं होता, यू नीड टू प्रैक्टिस। तो जो भी मैंने सीखा है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ट्राई टू इम्प्लीमेंट, रिजल्ट आता है, शेयर विथ मी, आई बी गिविंग यू माई ईमेल एंड एवरीथिंग, वॉट एवर डाउट द मोर यू वॉन्ट, आई शेयर माई पीपीटी विद द रिसर्च विद ऑल द सर्टिफिकेट्स, सब कुछ जो भी चाहिए शेयर विथ यू, बट स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग इट। इफ आई एम गेटिंग द बेनिफिट, मुझे गुरु जी ने जो सीखा है, तो अगर आपको कुछ बेनिफिट होता है शेयर विथ, ऊपर वाला मल्टीपल करके देगा, जस्ट शेयर विथ योर बेनिफिट, शेयर आपको जो भी एक्सपीरियंस होता है जस्ट शेयर विथ, मुझे बेनिफिट हो रहा है कब मैं शेयर कर रहा हूँ, इट्स ओके। अगर मेरे वजह से अगर आपको आपके लाइफ में कुछ चेंजेस आ रहा, आपसे दुआ दोगे बहुत हो गया, वो एनर्जी मेरे में आ जाएगी, गुड मेरा और अच्छा, मैं क्यों शेयर नहीं करूँ, मुझे आपकी सिर्फ दुआ चाहिए बस और कुछ नहीं चाहिए, दुआ में बहुत ताकत होती है, वो मैंने जान लिया है, पहले मानता था अभी ध्यान से मैंने जान लिया है। सिटिंग इन द ट्रेन एडवर्टाइजमेंट, दुआ से तकदीर बदल सकती है, यस एनीथिंग यू डू इट शुड बी मिनिमम 21 डेज, मिनिमम आपको कंटीन्यूअस प्रैक्टिस कुछ भी अगर करे तो, या 21 डेज करोगे तो आपका पार्ट ऑफ लाइफ बन जाता है, आप तीन दिन करोगे दो दिन नहीं करोगे तो टूट जाता है। फिर बहुत है हाउ टू रिमूव फियर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज लाइफ में, लोग सक्सेस क्यों नहीं होते, रिस्क नहीं लेते और फियर नहीं, ये मेडिटेशन से हम फियर को भी निकाल सकते हैं, इतनी पावर है ध्यान में, सिंपल। लोग बोलते टाइम नहीं है, अरे यार दिन का आधा एक घंटा दो, अगर एक घंटा ध्यान को देंगे ना आपके 23 घंटा आपके सही हो जाएंगे। I worked for corporate, I worked for 10-12 years. I worked with Reliance Industries, I worked with Diamond Industries, I did my Masters, I did my Engineering, 12 years. किसों के लिए काम किया नहीं, I resign. अभी मैं खुद के लिए काम करूँगा, मुझे जो अच्छा लगता है मैं करूँगा, Nobody can stop. क्योंकि मैंने जान लिया, मुझे अंदर से पहले फियर था, अरे छोड़ दूँ तो ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा, तो फियर था, जब वो फियर से बाहर निकला फिर कॉन्फिडेंस है, Nobody can stop me, I don't care what people think about me. हाँ मेरा intention अगर अच्छा है, the work which I'm doing is good, legal, ethical, then अभी लोग हंस रहे हैं तो लोग मेरी वाहवा करेंगे, क्योंकि मेरा intention अच्छा है, मेरे भाव अच्छे हैं, मेरा काम करने का तरीका, नीयत मेरी अच्छी है, Nobody can stop me. There's something called as how to play with the subconscious mind. फिर होता है हाउ टू मेक विजन बोर्ड्स, गोल चार्ट, पॉजिटिव एफर्मेशन, ये सब थिंग कॉल, ये बहुत से टॉपिक्स होते हैं, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सक्सेस एंड हैप्पीनेस। जरूर नहीं है कि लोग 100% जो सक्सेस है वो हैप्पी होते हैं, 50-50% हो सकते हैं कि जो सक्सेसफुल और 50% हैप्पी है, बट जो 100% सक्सेस हैप्पी है ना वो 100% सक्सेसफुल, बट वी डोंट वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल, वी वॉन्ट टू बी हैप्पी, ऑटोमेटिकली सक्सेस अपने पीछे दौड़ के आएगी, तो हैप्पीनेस क्या है वो जानना जरूरी है।
ये हो गया तीन पार्ट, मी माइंड मनी एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट जो हमारे रूट है, हमारे बीज है, दैट इज कॉल्ड एज मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी. स्पिरिचुअल बीइंग स्पिरिचुअल एंड बीइंग रिलीजियस टू डिफरेंट थिंग. मंदिर में जाना इज नॉट स्पिरिचुअलिटी. अपने आप को जानो, हु यू आर, दैट इज कॉल्ड स्पिरिचुअलिटी. अपने आप को जानो, द आंसर टू द क्वेश्चन इज विथ यू. हम अपने इमोशंस में घुस गए हैं, भाव में घुस गए हैं, अटैचमेंट में घुस गए हैं. हम अपने आप को जानने की कोशिश ही नहीं कर रहे, डर रहे हैं. हमें जानना बहुत ज़रूरी है. मेडिटेशन से आपके सब आधे से ज़्यादा कर्म निकल जाएंगे. मनी और स्पिरिचुअलिटी दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, दे आर नॉट डिफरेंट. द मोर यू आर स्पिरिचुअल द मोर यू बिकम वेल्दी. अपने आप को जानोगे, आपका पर्पस पता चल जाएगा. आप देखोगे अब जिस पे हाथ डालोगे पैसा आएगा. बिकॉज ऑफ मेडिटेशन में जाओगे आपको इंट्यूशन पावर बढ़ेगा. आपको पता चलेगा कहाँ पे सही है कहाँ पे गलत है, वहाँ पे पैसा डालते हो और सक्सेस. लोग बोलते हैं सर ये जहाँ पे भी पैसा डालता है सक्सेस आता है. यस, वी प्रैक्टिस स्पिरिचुअलिटी, वी नो व्हाट इज द पावर. बहुत से ऐसे लोग हैं जो प्रैक्टिस नहीं करते तो भी उनको ये आभास होता है बिकॉज ऑफ देयर पास्ट कर्म. पास्ट कर्म में उन्होंने इतनी साधना की होगी इसके लिए वो इस दुनिया में ऑटोमेटिकली बाई डिफॉल्ट आए. हमें ये टूल मिला है, हमें प्रैक्टिस करना है. मैं लोगों को बताता हूँ तो भी रेशो है ना 5% ही होगा. अगर मैं 100 लोगों को बताऊँगा उसमें 5% लोग ही इम्प्लीमेंट करेंगे. ये फैक्ट है. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि स्पिरिचुअलिटी से अगर हम अपलिफ्ट हो गए, एनर्जी से अपलिफ्ट हो गए, तो यू कैन अट्रैक्ट ऑल द मटेरियल इफ यू वॉन्ट इन लाइफ. रिलेशन में अच्छा सब कुछ अपने ऊपर है. ठीक है, नाउ देन यू आर नॉट स्पिरिचुअल. हम जब स्पिरिचुअल नहीं है तो देयर आर सर्टेन थिंग विच इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ कर्म. वो कर्मों के बंधन में हम आ जाते हैं. देयर आर सर्टेन स्पिरिचुअल लॉज विच यू नीड टू अंडरस्टैंड. बिफोर दैट एक चीज है, जैसे अबंडेंस में आपको बोला था, इट्स अ नेचुरल स्टेट. अबंडेंस है, इट्स अ नेचुरल स्टेट. आपको लाइफ में जो भी चाहिए सब ऊपर है. हम ब्लॉक कर रहे हैं, मैं ब्लॉक नहीं कर रहा. आप सिर्फ मांगो आपको मिलेगा. मेडिटेशन स्टेट में आप चाहिए, आप सिर्फ मांगो मुझे ये चाहिए मिलेगा आपको. वे मिलेगा, वे मिलेगा. आप जाओगे और सक्सेस होना निश्चिंत है. बट मांगे आपको पता नहीं, आपको वे नहीं मिल रहा है. यू डोंट नो व्हाट एवर अभी आप जो कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो या जॉब, आपको पता नहीं है कि ये आपको कहाँ पे लेके जाएगा. बट आप अगर स्पिरिचुअल बनोगे आपको एग्जैक्ट पाथ मिलेगा, आपको कहाँ जाना, आपको एक यूनिक क्वालिटी मिलेगी एंड विच विल टेक यू वेयर यू वॉन्ट टू गो इन लाइफ. देयर आर सर्टेन लॉज ऑफ स्पिरिचुअल जर्नी. एक होता है लॉ ऑफ प्योर पोटेंशियल पोटेंशियलिटी, उसको बोलते हैं मेडिटेशन. अब जब हम ध्यान में बैठते हैं तो पहले इनिशियली आपको विचार आएंगे, धीरे धीरे विचार कम हो गए, फिर देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एक सिचुएशन क्रिएट होगा दैट इज कॉल्ड एज नो थॉट सिचुएशन. दैट टाइम यू विल बी कनेक्टेड टू द गॉड, द अल्माइटी एनर्जी, जो जिसको जो बोलते हैं गॉड या देवता या एनर्जी, जो क्या बोलते हैं, कनेक्ट हो जाओगे. फिर आपको ज्ञान, नॉलेज, आपको सब ऑटोमेटिकली मिलते जाएगा. आपको पाथ मिलते जाएगा आपको कहाँ पे जाना है. बट वहाँ पे आपको जाना जरूरी है. फर्स्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप स्पिरिचुअल वन. आपको पता चल जाएगा कि आप यहाँ पे आप ऐसा डालो तो वेल्थ क्रिएट होगा, यहाँ पे डालो कहाँ पे सही जगह है कहाँ पे गलत जगह है. आपको अंदर से आभास होगा कि हाँ मैं इधर डालूंगा तो मुझे अच्छा होगा और अच्छे भाव आएंगे. सबसे इम्पोर्टेंट चीज अच्छे इंटेंशन. अभी आपको डाला था, आप 100 बार सोचोगे क्या करो, फिर आप इनको पूछोगे उसको पूछोगे कि अगर गलत हो गया तो यार इनके वजह से गलत हो गया, डाल दिया और डूब गया. पावर अपने पास है, दूसरों को क्यों पूछ रहे हैं, उनके हिसाब से वो सही है. अब अपने आप को पूछो ना. हम अपने आप को पूछने में डर रहे. तो समथिंग कॉल्ड लॉ ऑफ प्योर पोटेंशियलिटी. एक मैंने एंटरप्रेन्योर का बुक पढ़ा था, उन्होंने बोला कि एटलीस्ट सुबह आधा घंटा और शाम को आधा घंटा मेडिटेट करना चाहिए मिनिमम. धीरे धीरे आपका आभास होना चालू हो जाएगा.
है लॉ ऑफ गिविंग एंड रिसीविंग, आपको देना है और लेना है, सिर्फ देना नहीं है और सिर्फ लेना नहीं, आता है ले लो, नो प्रॉब्लम, कोई अच्छा या बुरा नहीं, देयर इज अ लॉ ऑफ कर्म, अब रोको मत एनर्जी को खाना और देना तो अच्छे भाव से, जरूरी पैसा ही एक चीज है, प्यार, अच्छे बोल, रिक्शा में बैठते हो रिक्शा को 10 रुपये दिया थैंक यू बोल, ऐसा लगता नहीं लगता थैंक यू, उसके अंदर से भाव क्रिएट होगा, भाव एनर्जी अपने अंदर जाएगी, एनर्जी अपलिफ्ट होगा, बुरा किया अच्छा जी, और मैं आपको कुछ सिखा रहा हूँ, आपको अच्छा लगा, आप मुझे कुछ दिया दुआ दोगे बहुत अच्छा है, मुझे वही चाहिए क्योंकि मुझे जान लिया कि एनर्जी में कितना पावर है, मैं जितना एनर्जी को अपलिफ्ट करूँगा मेरे को जो चाहिए होंगे, आई एम जस्ट अपलिफ्टिंग माई सोल माई एनर्जी. थर्ड इज लॉस्ट लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट, बोलते ना कम काम करना है, व्हेन यू आर अलाइन टू गॉड इज समथिंग कॉल्ड एज लीस्ट एफर्ट. फोर्थ है लॉ ऑफ ग्रैटिट्यूड, थैंक यू, ये थैंक यू में बहुत अच्छी शक्ति है, नमस्कार करते हैं, थैंक यू करते हैं, थैंक यू गॉड, थैंक यू माता पिता, थैंक यू अनोइंगली अनोइंगली जिन्होंने आपका अच्छा किया या बुरा भी किया उनको थैंक यू बोल दो, अब देखो ऑटोमेटिक आपके रिलेशन ऐसे चेंज होते हैं, जरूरी कि उनके सामने ही करना, मन में भी किया तो भी चलेगा बट कीजिए, आपका ईगो को भी डाउन करेगा. फोर्थ है लॉज ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, अब जो कर रहे हो वो मल्टीप्लाई करके आएगा, अब अच्छा काम कर रहे हो मल्टीप्लाई करके आपके पास ही आएगा, अब बुरा काम कर रहे हो अल्टीमेटली दूसरे फॉर्म में आएगा बट आएगा, अभी मानो या नहीं मानना मे नॉट बी इन द सेम बट it it will go into the subconscious mind and in the next month it will attract. But do something good na, अच्छे काम करो, बट जो अच्छे काम करते हो मे बी इन दिस बर्थ, अगर आपका इंटेंशन अच्छा है, अगर आप पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन डालते हो, अगर आप कुछ अच्छा करते हो तो ये बर्थ में भी आ सकते हो, इंटेंशन होना चाहिए, देयर इज समथिंग कॉल्ड लॉ ऑफ इंटेंशन एंड डिजायर, अच्छे भाव इंटेंशन, एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड लॉ ऑफ डिटैचमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हम नहीं करते. नाउ डिटैचमेंट मतलब दूर होना नहीं है, हम जितने ज़्यादा अटैच होंगे उतने ज़्यादा हम इमोशंस बांधेंगे, उतने ज़्यादा कर्म बांधेंगे, हम ज़्यादा बच्चों से अटैच होते हैं ना ज़्यादा कर्म बांधेंगे, ये मत कर वो पहले करेगा, ये मत कर वो पहले करेगा, अटैच एंड डिटैचमेंट डजंट मीन दैट यू डोंट लव, यू लव मोर, यू लव मोर, डिटैचमेंट ये नहीं है कि उसे दूर होना है, नहीं, उसको बताओ ये सही है गलत है, वो गलती करेगा पर अल्टीमेटली वो अपने पास आएगा, नहीं डैडी मैंने गलती की है गलत था, हम ज़्यादा कोई चीज़ को पकड़ेंगे ना उतना दूर जाएगा, विच इज फैक्ट, आपको लाइफ में जो चाहिए इंटेंशन रखो डिजायर रखो, समझो आपको पॉइंट अभी पॉइंट ए में है, वो पॉइंट बी में कुछ चाहिए, फॉर एग्जाम्पल आपको बंगला या घर या जो भी चाहिए रिलेशन अच्छे चाहिए, अभी इंटेंशन रखो कि अच्छा हो रहा है हो रहा है, उस पर अटैच मत हो, उसका जो जर्नी है उस पर आप अटैच मत हो, आपको वे दिखेगा, सी देयर इज समथिंग कॉल्ड एज सिक्योरिटी एंड अनसिक्योर, द मोर यू आर अनसिक्योर यू आर इन अ राइट पाथ, द मोर यू आर सिक्योर यू आर कंटेंट विथ लाइफ, ये मैं इतना कहूँ तो बस हो गया मैं सिक्योर, अगर आप इनसिक्योर हो गए आपको वे मिलेगा, द मोर यू आर सिक्योर जितना आप इनसिक्योरिटी आप कुछ इनसिक्योरिटी आई 3-4 वे मिलेगा, वो वे में आप चलो सक्सेस मिलेगा, हम सोचते हैं कि नहीं लाइफ में हमें सिक्योर होना, एक हमने एक बाउंड्री बांध ली है, हम बाउंड्री पे ही चल रहे हैं, ये जानना बहुत जरूरी है. फिर होता है लॉ ऑफ धर्म, धर्म हम जो करें कर्म हम जो करें वो अच्छा करना चाहिए, सर्टन लॉज, ये हमें लॉज को समझना बहुत जरूरी है, ये हम लॉज को अपनाते हैं, आप देखोगे आप वेल्थ जो बोलते हैं पैसा रिलेशन ऑटोमेटिकली चेंज होता जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये जानना मान रहे हो बट ये जानना बहुत जरूरी है, आपको सीखना होगा समझना होगा अप्लाई करना होगा, रिजल्ट देखो अब बोलते यस, अगर आप अप्लाई करते हो मैं गारंटी देता हूँ आपको रिजल्ट आएगा, स्टार्ट फ्रॉम स्मॉल थिंग्स अचीविंग बिग बिग थिंग्स, इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है. फर्स्ट फ्लोर जरा ऑपोजिट की जगह